अस्सलाम वालेकुम जुलेखा के दुनिया में वेलकम है। देखिए, मैं नर्सरी गई थी तो ये पौधा सब मैं लाई हूँ जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, जासमीन का पौधा है, ये पैटुलका का पौधा है, और ये गुमफरेना का पौधा है। ये मैं दो ली हूँ। देखिए, पिंक पिंक कलर का है, यही मुझे मिली थी, दो कलर का नहीं मिली। ये देखिए, ये मोगरा का पौधा है, मेरे पास थी लेकिन वो सूख गई, इसलिए मैं ली हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, बिंका का पौधा है, देखिए ये तीन कलर का मैं ली हूँ। ये हार्वित वाला पौधा है, और मास रोज भी ली हूँ पाटुल का। ये सब मैं खरीद कर लाई हूँ नर्सरी से। यहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी मैं ले ली हूँ। देखिए ये सब चलती है या नहीं, सबको मैं साइड में, दीवार के साइड में रख दे रही हूँ। यहाँ से शेडेड एरिया है, इसे मैं 4-5 दिन के लिए इसी तरह यहाँ पे छोड़ दूंगी, रख दूंगी, और उसके बाद मैं पॉट में लगाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, पॉट में भी लगाऊंगी तो दिखाऊंगी किस तरह से मैं मिट्टी बनाती हूँ, किस तरह से मैं लगाती हूँ, वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, पहले तो मैं इसे सबको साइड में, दीवार के साइड में रख देती हूँ इस तरह से, ताकि गर्म हवा ना लगे इसमें। ऐसे डेड एरिया में ही है, देखिए इस तरह से सभी को साइड करके मैं रख दे रही हूँ। देखिए इस तरह से सभी को रख कर थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ ताकि इसमें नमी बनी रहे। इस तरह से पानी डाल दे रही हूँ और 4-5 दिन के बाद मैं इसे लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं पानी डाल दे रही हूँ ताकि सूखे ना गर्मी से। देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत पौधा लग रही है। फिर 4-5 दिन के बाद मैं मिलती हूँ। अब देखिए इसकी मिट्टी मैं बनाने चलती हूँ 4-5 दिन के बाद। देखिए ये हमारा ये नई मिट्टी है, इसमें मैं गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर का खाद मैं डाल रही हूँ इस तरह से, चारों तरफ से मिट्टी में डाल, इस तरह से डाल दे रही हूँ। करीब ये 30% होगी, और ये है कुछ बर्मी कंपोस्ट, ये बर्मी कंपोस्ट भी मैं 30% डाली हूँ इस तरह से। देखिए ये सेन है बालू, जिससे घर बनती है, वो भी मैं डाल दे रही हूँ। वेल्डरेन, इससे मिट्टी बन जाएगी। और ये फंगीसाइड पाउडर है, वो भी मैं डाल दे रही हूँ, साफ का फंगीसाइड है। और थोड़ी हल्दी भी मिला देती हूँ मैं मिट्टी में, और थोड़ी सी ये चूना है, ये भी मिला दे रही हूँ। और उसके बाद ये राइस हस्क है,
ये भी थोड़ी सी करीब ये 30% होगी, ऐसे डालकर मैं मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इस तरह से मिक्स हो गई है, अब चलती हूँ ये गमले में लगाने के लिए। देखिए थोड़ा मिट्टी में थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ ताकि नीचे का जड़ पानी से भींग जाएगी मिट्टी, तो जड़ भी में नमी आ जाएगी। पहले इसकी पॉली बैग को हटा दे रही हूँ। इस तरह से मिट्टी को कुछ नहीं करना छेड़छाड़। और इसमें हल्दी जड़ में मैं डाल दे रही हूँ। हल्दी डालने से अच्छी होती है, मैं जब भी लगाती हूँ तो जड़ में ज़रूर हल्दी डालती हूँ। इस तरह से हल्दी डाल दी हूँ, ये देखिए जास्मीन का पौधा है। और उसके बाद ही इसमें मैं नीम की पत्ता भी इसमें डाल दे रही हूँ और उसके ऊपर से मिट्टी इस तरह से डालकर और इसे अच्छे से दबा दबा कर मिट्टी को भरना है। देखिए इस तरह से दबा दबा कर एक लकड़ी से इसकी मिट्टी को मैं इस तरह से ही कर ले रही हूँ ताकि एयर पैकेट ना रह जाए। देखिए और भी मिट्टी डालकर अब इसमें मैं अच्छे से दबा दी हूँ। अब इसमें पानी डाल दूँगी। देखिए देखिए ये पानी डालते ही कैसे सूख गई है। अब इसे अच्छे से पानी डालकर मैं साइड में रख दूँगी। अब अभी लगाई हूँ तो इसे अच्छे से मिट्टी पानी डालना है ताकि पूरा मिट्टी भींग जाए इस तरह से। अब चलिए चलती हूँ बेला का पौधा लगाने। इसको भी मैं इसी तरह पॉली बैग हटाकर इसी तरह लगाऊंगी। इसके भी जड़ में हल्दी लगाकर इस तरह से हल्दी डालकर और इसे देखिए ऊपर में ये पौधा सब निकल गई है तो उसे हटा दी हूँ। और इसे बीच सेंटर में इस तरह से लगा देना है। नीम के पत्ता भी थोड़ा सा डाल दी हूँ और तब ऊपर से ये मिट्टी डाल रही हूँ। मिट्टी को अच्छे से दबा दबा कर गमला को भरना चाहिए। देखिए ये लग गई है, अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। देखिए हमारी मिट्टी बहुत अच्छी बनी है। तुरंत में पानी नीचे चली जाती है। इस तरह से अच्छे से पानी डाल देना है। अब ये देखिए गोनफेरेना के पौधा को भी मैं उसी तरह लगाऊंगी। पहले बैग को निकाल ले रही हूँ इस तरह से। और जड़ को छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें थोड़ा हल्दी जड़ में छिड़क दे रही हूँ और इसे लगा दूंगी। अभी इसकी मिट्टी जो लगी हुई है उसी मिट्टी में रहने दूंगी। जब बरसात आएगी तो देखूंगी इसे, फिर इसे हटा दूंगी मिट्टी और सही से लगाऊंगी। अभी जब तक के बहुत ज़्यादा ही गर्मी है इसलिए इसे छेड़छाड़ नहीं करना है। ये डंटी से लेके अच्छे से मिट्टी को दबा देना है। मैं जब भी लगाती हूँ इसी तरह से लगाती हूँ।
देखिए इस तरह से पानी डाल दी हूँ। अब ये देखिए बीन का के पौधा, इसे भी मैं लगा दे रही हूँ। इस तरह से सादा सारा पौधा को इसी तरह हल्दी डाल डाल कर मैं लगाई हूँ। देखिए ये भी लग गई है, इसमें भी पानी डाल दे रही हूँ। आप लोग भी जब भी लगाइए पौधा तो उसके जड़ में ज़रूर हल्दी डालिए। देखिए ये सारा पौधा लग गई है, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से आप लोग भी इस गर्मी में अगर ये पौधा सब लाना चाहती हैं तो लाकर लगाइए। अल्लाह हाफिज़।